दोस्तों, एक दोस्त ने लिखा है कि उसे हिल के ऊपर कार चलाने में डर लगता है। देखो दोस्तों, डर की तो कोई सीमा ही नहीं है। असल में किसी को कार चलाने से डर लगता है, किसी को कार को हिल पे लेके जाने से डर लगता है, किसी को कार को हिल के नीचे आने से डर लगता है। देखो, डर जो है ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बाहर से हमला होता है। असल में डर के जो विचार हैं, हमारे अंदर के विचार हैं, वो हमें भयभीत कर देते हैं। जितना डर के विचारों को आप अपने अंदर लेते जाओगे, डर उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे उसने कहा कि मुझे हिल के ऊपर ड्राइव करने में मुश्किल लगती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सिंपल सा ही है कि उसको नॉलेज नहीं है कि हिल के ऊपर ड्राइव करना बहुत आसान है। इतना आसान है कि जैसे आप साइकिल चलाते हो, फर्स्ट या सेकंड गियर चलाना है, हल्की हल्की स्पीड चलाते जाना है, क्योंकि कम गियर पे आपके इंजन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो कुछ भी खींच सकती है, क्योंकि स्पीड कम है। और आपके जो आपने फर्स्ट गियर पे चलाया है, उसमें अगर आप स्पीड दबाते हो तो हैवी से हैवी चीज वो ऊपर लेके जा सकती है, तो मुश्किल है ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड गियर चलना है, हल्की हल्की स्पीड चलनी है, 30-40 की मैक्सिमम आपने स्पीड चलानी है। और दूसरा, उनके दिमाग में ये होता है कि कार ऊपर जाएगी तो घिसके नीचे चली जाएगी अगर ब्रेक ना लगी तो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो स्टीप हिल ऐसे तो है नहीं, ऐसे होती है। मतलब जिसने जो हिल्स को काटा है, इस तरीके से काटा है कि वो उसमें आपकी कार आसानी से जा सके, इतनी आसानी से जैसे आप पैदल चलते हो। तो आपके जो सोच है उसमें अज्ञानता है, अज्ञानता को काट दीजिए, इसकी नॉलेज लीजिए, क्या मुश्किल आती है एक बार करके देखिए, गलती होगी समझिए। मैंने वीडियो बनाए हैं अपहिल के और डाउनहिल के, उसको देखिए कि कैसे मैंने चलाई थी कार। मुझे क्वेश्चन लिखिए, कमेंट लिखिए, नॉलेज लेते जाइए। और एक सिद्धांत बना लीजिए, हम डर के विचारों को अपने अंदर समाने नहीं देंगे। जितने डर के विचारों को आप टाइम इस्तेमाल करते हो, क्या वही टाइम आप क्या क्या मिस्टेक हुई उससे सीखिए, तथा बुद्धिमानी से अगला एक्शन लीजिए। मान ले आपने अपहिल किया, वहां कोई मिस्टेक होगी, वो मुझे आप ईमेल भेजिए या कहीं कमेंट दीजिए, उसका जवाब लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, तथा फिर एक बार बुद्धिमत्ता से उसका इम्प्रूवमेंट कीजिए और आगे जाइए, तो डर रह नहीं सकता। ओके, तो उम्मीद है कि आप हिल में फुल कॉन्फिडेंस से कार चलाओगे। थैंक यू।